नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो आशा उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी इसी निरंतर गति से कर रहे होंगे। तो चलिए, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत में प्रमुख जनजातियां और भाषा से संबंधित, ठीक ना। यहाँ से हमेशा आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। धैर्य के साथ आराम से पढ़िए, बहुत घबराइए नहीं। चीज़ें परीक्षाओं में हमेशा पूछी जाती हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण जो जनजातियां हैं, जिनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण रीति रिवाज हैं, उन्हीं चीज़ों को हम सब एक शानदार श्रृंखला के रूप में देखेंगे। तो आइए हम सब शुरू करते हैं शानदार महत्वपूर्ण भारत के प्रमुख जनजातियों के विषय में, ठीक। उसके पहले हमारे संस्था की ओर से कुछ महत्वपूर्ण कोर्स संचालित हैं, जिसमें सुपर टेट मात्र 1699 रुपए में आपको सुपर टेट की श्रृंखला मिल जाएगी। यूपी टेट आपको 900 रुपए में हमारी संस्था की ओर से आपको जो है कि यूपी टेट और यूजीसी नेट जो है ये 900 रुपए में, साथ ही साथ एसएससी जीडी की श्रृंखला आपको 699 रुपए में उपलब्ध है। तो ये सारी श्रृंखलाएं आप सबके लिए है। आप सब शानदार तरीके से अपनी तैयारी जारी रखें। आशा उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कलम कॉपी लेकर बैठिएगा, चीजों को नोट डाउन भी करिएगा, क्योंकि याद रखने का, जहां तक मैं सोचता हूं, याद रखने का कई बेहतरीन, आप सब में से अधिकांश बच्चे पूछते हैं कि सर याद कैसे किया जाए, कुछ चीजें याद नहीं हो रही हैं। तो पहली चीजें तो आप जब भी पढ़ने बैठिए तो कम से कम कॉपी कलम के साथ ही बैठिए, और आपको उसके अलावा जब किताबें लेकर बैठते हैं तो हाईलाइटर और लेटर लेकर बैठिए, ठीक ना। किताबों को थोड़ा बहुत रंगिए, जो चीजें समझ में नहीं आ रही हैं उन्हें नोट डाउन करने का प्रयास करिए। साथ ही साथ आप अपने दोस्तों से भी जो पढ़े होते हैं उन्हें भी पूछने का प्रयास करिए, ठीक ना। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम सब ये सोचते हैं कि हम जो पढ़े हैं वो किसी को ना बताएं। ना बताने का मतलब है कि वो बहुत लंबे समय तक आपके ब्रेन में वह मेमोरी नहीं रहेगी, बल्कि वो एक शॉर्ट टर्म मेमोरी के रूप में आपके मन मस्तिष्क में घुस गई है और कुछ समय पश्चात ही वो आपके दिमाग से निकल जाएगी। लेकिन जब लंबे समय तक आपको अपने मन मस्तिष्क में रखना है तो उसे दूसरे के साथ भी शेयर करना सीखिए। साथ ही साथ आप अपनी एक नोट्स बनाइए और उस नोट्स को हमेशा रिवीजन के तौर पर पढ़ें। यानी दूसरे की जो आप सबकी आदत होती है कि गुरुजी पीडीएफ दे दीजिए, किसी भी चीज का सिर्फ पीडीएफ मांगते हैं। ठीक है बेटा, पीडीएफ लेना ठीक है, लेकिन क्या आपके पास जितनी पीडीएफ दी जाती है आप पढ़ते हो? नहीं पढ़ते बेटा, ये फैक्ट है। लेकिन जब आप अपना नोट्स बनाओगे तो आप उसे पढ़ोगे और मन लगा के पढ़ोगे। तो इसलिए आशा उम्मीद करता हूं कि आप सब कुछ चीजों को याद करने के लिए, लंबे समय तक परीक्षाओं को पास करने के लिए किताबों को मैनुअल रूप में होना बहुत जरूरी है, ठीक ना। तो उस मैनुअल रूप में आप जरूर से चीजों को देखें और पढ़ें, लंबे समय तक आपके मन मस्तिष्क में याद रहेंगे। सुबह जल्दी उठने का प्रयास करिए, ये भी आपको कहा गया है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, यानी सुबह जल्दी उठिए। और आपको जो है अध्ययन का टाइम जो है बहुत अच्छा माना जाता है, 5 से 7-8 बजे तक आप स्व अध्याय करिए, आपको सारी चीजें लगभग याद रहेंगे, आपको चीजें समझ में आएंगे। तो चलिए हम सब देखते हैं शानदार तरीके से अगली श्रृंखला की ओर। ये देखिए, भारत की कुछ प्रमुख जनजातियां हैं जो पाई जाती हैं। जैसे आप देखोगे तो आप स्टार्ट करते हैं ऊपर से, लद्दाख में बकरवाल जनजाति, यांगपा जनजाति, ये जनजाति आपको जो है कहां पाई जाती है तो आपको लद्दाख में। वहीं जम्मू में देखिए तो डोंगरा, ये डोंगरा डोंगरा डोंगरी भाषा भी है, डोंगरा लोगों की भाषा क्या है, डोंगरी है, ठीक ना। ये डोंगरा जनजाति जो है ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है।
वहीं जब बात की जाए राजस्थान की, तो यहां पे मीणा है, भील है, बंजारा है, कोली है, गर्सिया है, खारी है, तो ये सभी जनजातियां जो हैं, ये आपको कहां पाई जाती हैं? तो राजस्थान में आपको ये सभी महत्वपूर्ण जनजातियां पाई जाती हैं। उसके अलावा जब हम आते हैं गुजरात में, तो गुजरात में भील, बंजारा, कोली, डाबला, खारी, ये जनजाति जो है कहां पे, तो ये आपको गुजरात में पाई जाती है। वही बात करते हैं हम सब आपको जो है कि महाराष्ट्र में, यहां पर भी आपको जो है कि बंजारा, कोली, यहां पे भी भील, ये भील भी यहां पाई जाती है, गोंड, ठीक ना, यहां गोंड, तो ये गडकरे, ये सभी यहां पे जनजाति के रूप में आपको पाई जाती है महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट आइए ऊपर देखते हैं, ये अपना हिमाचल प्रदेश है। पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती है, ठीक ना, ये याद रखिएगा, पंजाब में जनजाति आपको नहीं पाई जाती। अब देखिए आपको मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में गद्दी, किन्नौर, जद्दा, बकरवाल, गुज्जर, ये सभी जनजातियां आपको कहां है, तो हिमाचल प्रदेश में आपको है। हिमाचल प्रदेश के जैसे ही नीचे आएंगे उत्तराखंड, उत्तराखंड में थारू, भोटिया, बुक्सा, जौनसारे, महगिरी, रागी, ये सभी जनजातियां जो है उत्तराखंड के हैं। आपको उत्तर प्रदेश, ये थारू, अगरिया, सहरिया, बुक्सा, जौनसारे, भोटिया, महगीर, चारो, खरवार, गोंड, ये सभी जनजातियां आपको यहां की हैं। वहीं जस्ट इसके बगल में ये बिहार है, बिहार में भी आपको कई महत्वपूर्ण जनजातियां पाई जाते हैं, जैसे यहां पर वे संथाल, मुंडा, हो, ठीक ना, मुंडा, हो, असुर, ये कई जनजाति आपको जो है बिहार में पाई जाती है। आपको इसी के जस्ट बगल में ये देखो, ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल, यहां पर भी पश्चिम बंगाल में भी आपको कई महत्वपूर्ण जनजाति पाई जाती है। यहां पाई जाने वाली में संथाल है, हो है, ठीक ना, मुंडा है, ये यहां पर भी ये जनजाति आपको, यहां पर भी अगरिया है, ये यहां पे के प्रमुख जनजाति है। वहीं आपको बात की जाए झारखंड, तो झारखंड की प्रमुख जनजातियों में संथाल है, मुंडा है, हो है, गोंड है, भुइया है, बिरहोर है, कोरबा है, केला है, कोला है, असुर है, ये सभी जनजातियां जो है ये आपको यहां पर भी पाई जाती है, तो ये याद रखिए सभी जनजातियों के विषय में। उड़ीसा में, उड़ीसा में भुइया, आपको उराव, बैगा, गुंडा, संथाल, हो, कोल, ये पूरे बेल्ट में, आप ये पूरा बेल्ट देखोगे तो ये पूरे बेल्ट में संथाल, हो, सहरिया, आपको आपको मुंडा, ठीक ना, ये सभी जनजातियां आपको यहां पाई जाती हैं। इसके बाद नीचे आएंगे तो आंध्र प्रदेश में चेचू, ये बार बार परीक्षा में पूछता है, चेचू, बंजारा, लवाडा, बहुरूपा, सवारा, गढ़वा, ये सभी जनजातियां आपको यहां की हैं। वहीं तमिलनाडु में टोडा, कोटो, बगड़ा, ये आपको तमिलनाडु की है। केरल में आपको जो है मोपला, नायर, दराली, कारदर, डाफर, ये जनजाति आपको यहां की है। तो ये भारत की कुछ महत्वपूर्ण जनजातियां हैं और इन जनजातियों के विषय में हम सब थोड़ा बहुत डीपली तरीके से भी पढ़ेंगे। देखिए भारत की जनजातियों में आपको यहीं पे मणिपुर से भी कुकी, मैथी, एनाल, अंगामी, माले, ये आपको कुछ यहां के हैं। वहीं आप देखिए सिक्किम से भी कुछ महत्वपूर्ण जनजातियां, लेपचा, लुम्बा, तवांग, भूटिया, ये है। असम से गारो, खासी, जयंतिया, आपको बोडो, अंगोरा, लुसाए, ये नागालैंड से नागा, नथुई, आपको कुकी, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कर्नाटक से देखिए तो भारती, अडीवन,
आपको बवचा, इकला, ये सभी तेलंगाना से कोया, कोटी, खेचू, कुलिया, तो ये सभी जनजातियां आपको हैं जो भारत की प्रमुख जनजातियां मैप के जरिए देखे। अब हम लोग देखेंगे भारत की जनसंख्या में आपको जनजातियों के विषय में अनुसूचित जनजातियों के आंकड़ों को 2011 के जनगणना के अनुसार हम सब थोड़ा बहुत देखते हैं। आइए चीजों को देखें। ये भारत की प्रमुख जनजातियां और उनके भाषा, इसमें हम लोग देखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 366-25 के अनुसार अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित जनजातियों को आपको जो है अनुसूचित जनजाति कहा गया है, यानी जो इस आर्टिकल में 324 आर्टिकल में अधिसूचित किया गया है उन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में जाना जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% जो है ये एसटी है। क्या है? 8.6%। इनका वृद्धि दर जो है 30.7% इनका वृद्धि दर है। कुल जनसंख्या में इनकी भागीदारी आपको कितनी है, तो यानी 10,42,81,034 लोग जो है ये आपको जनसंख्या इनकी है। अब देखिए आपको अनुसूचित जनजाति का स्टेट वाइज सबसे अधिक जनसंख्या कहां है, तो सबसे अधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश में है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में है और तीसरे नंबर पे आपको उड़ीसा में है। ये तीन राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या इनके पाई जाती है। भारत के सबसे बड़े जनजाति समूह में कौन है, तो पहले नंबर पे भील है, दूसरे नंबर पे गोंड है, तीसरे नंबर पे संथाल है, चौथे नंबर पे नायकदा है। तो ये सभी आपको जो है जनजाति, यानी भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या के रूप में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो बताइएगा भील जनजाति भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पुदुचेरी, दिल्ली, इन सभी राज्यों में कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती है, ये जनजाति शून्य क्षेत्र माना जाता है। लिंग अनुपात के अनुसार देखिए तो भारत में इनका आपको जो है लिंगानुपात कितना है, तो ये 990 के रूप में है, जबकि भारत का औसत लिंगानुपात 943 है, यानी इनमें आपको जो है लिंगानुपात यहां की अपेक्षा यहां आपको बेहतर है, यानी 1000 पुरुष पर 990 महिलाएं हैं, यही अनुसूचित जनजाति में इस बात का आपको देखने को मिलेगा। इनकी साक्षरता जो है बहुत कम है, यानी लगभग इनका 59% आबादी जो है ये साक्षर है, बाकी भारत की साक्षरता यदि देखेंगे तो 73% के आसपास भारत की साक्षरता दर है, लेकिन इनका कम है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति अनुपात वाले राज्य कौन है, यानी प्रतिशतता की दृष्टि से सबसे अधिक कहां पाई जाती है, तो सबसे अधिक आपको लक्षद्वीप में, फिर मिजोरम में, फिर नागालैंड में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। आपको लक्षद्वीप में 94.8% है, मिजोरम में 94.4% है और नागालैंड में 86.5% है। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम अनुसूचित जनजाति अनुपात वाला जिला कौन है, तो उत्तर प्रदेश में 0.6%, तमिलनाडु में 1.1%, बिहार में 1.3%, केरल में 1.5% के साथ ये आपको निवास करते हैं। अपने हिंदी शानदार तरीके से आप इसे परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। वीडियो की बुक ये भी आप सबके लिए श्रृंखला जबरदस्त है, आपके लिए लाभकारी साबित होगा। पेट कम्बो बुक, इसमें आपको किताब प्लस प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको जो है उपलब्ध है। पेट की बुक 300 रुपए में
आरओ यारो की हिंदी की बुक है, ठीक ना, ये हिंदी की बुक है आरओ यारो की, बच्चा आप इसे 300 रुपए 175 रुपए में परचेज कर सकते हो। लेखपाल कम्बो बुक जो है ये आपको जो है 300 रुपए में उपलब्ध है, आप इसे भी परचेज कर सकते हो और पढ़ सकते हो। नेक्स्ट देखिए, भारत के प्रमुख जनजातियों के विषय में एक एक करके हम सब देखते हैं। थारू जनजाति ये आपको कहां निवास करती है, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और बिहार में निवास करती है। ये दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। ये किरात वंश से संबंधित स्वयं को बताती है। इसमें संयुक्त परिवार प्रथा पाई जाती है और उत्तराखंड की यह सबसे बड़े जनजाति है। नेक्स्ट भोटिया जनजाति, ठीक ना, भोटिया जनजाति ये मंगोल प्रजाति से संबंधित है। ये उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं, निवासरत है। और भोटिया जनजाति जो है सिक्किम में, पश्चिम बंगाल में तथा त्रिपुरा में भी आपको जो है ये पाई जाती है, ठीक ना। ये भोटिया जनजाति इन जगहों पर भी पाई जाती है। इसके अलावा ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी आपको पाई जाती है। बुक्सा जनजाति ये उत्तराखंड में निवासरत है। अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह यहाँ प्रचलित है, यानी एक दूसरे के यहाँ अदला बदला वाला सिस्टम है कि आप बहन दीजिए, हम अपनी बहन देते हैं, ठीक ना। तो ये यहाँ अनुलोम प्रतिलोम विवाह प्रचलित है और ये स्वयं को राजपूत वंश से संबंधित बताते हैं। नेक्स्ट जौन सारे ये उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में निवास करती है, उत्तर प्रदेश में भी, यूपी में भी, ठीक ना, यूपी और उत्तराखंड में यह जनजाति निवास करते हैं। जौनसारी जनजाति जो है ये कृषक जनजाति के रूप में उत्तराखंड में जानी जाती है। जौनसारी ये आपको बहु पति विवाह प्रथा में विश्वास करते हैं, यानी यहां पर पत्नी एक होती है और पति कई, पांचाली वाली स्थिति है, यहां पे बहुपति प्रथा प्रचलित है। नेक्स्ट राजी जनजाति उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में यह जनजाति पाई जाती है। इन्हें बनरौत भी कहा जाता है। ये झूम कृषि को अधिक प्रोत्साहित करते हैं या झूम कृषि पद्धति को ये अपनाए हुए हैं, ये आप याद रखिए। हिंदी इंडिविजुअल बाय नितिन सर कंप्लीट कोर्स, शानदार श्रृंखला आप सबके लिए, जबरदस्त तरीके से मात्र 999 रुपए में ये श्रृंखला आपको उपलब्ध है। आप इसका भरपूर लाभ लीजिए और खूब मन लगा के पढ़िए। गोंड जनजाति यह जनजाति सबसे अधिक मध्य प्रदेश में आपको पाई जाती है। कहां पे? मध्य प्रदेश में यह जनजाति पाई जाती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आपको उत्तराखंड, उत्तराखंड महाराष्ट्र और राजस्थान में यह जनजाति आपको पाई जाती है। इसका मुख्य भोजन बाजरा या कोदो और कुटकी है। विवाह हेतु घोटुल जिसे युवा आवास कहते हैं, हरण विवाह जैसी प्रथाएं यहाँ पाई जाती हैं। ये मुख्य रूप से गोंडी भाषा को बोलते हैं, ठीक ना, जो कि द्रविड़ भाषा से संबंधित है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक ना, महाराष्ट्र, राजस्थान, इन सभी स्थानों पर यह जनजाति पाई जाती है। यानी गोंडवाना लैंड के मूल निवासी को गोंड कहा जाता है। नेक्स्ट गद्दी जनजाति ये आपको धौलाधर श्रेणी में स्थित है। लद्दाख की गुज्जर, बकरवाल, लोहाड़ी, बारी आदि जनजातियां भी आपको गद्दी जनजाति के ही भाग के अंतर्गत आते हैं और ये सभी धौलाधर श्रेणी में आपको पाई जाती हैं। स्वयं को ये गढ़वा यानी राजस्थान के शासकों का वंशज बताते हैं गद्दी जनजाति के लोग। पश्चिमी हिमालय की धौलाधर श्रेणी में ये मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में ये जनजाति पाई जाती है। भील जनजाति ये भारत में सर्वाधिक पाई जाती है, सर्वाधिक भारत में सर्वाधिक जनजाति के रूप में भील जनजाति है। भील शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा के बिल्लूर, ठीक ना, जिसे धनुषकारी शब्द से हुई है। ये प्रोटो आस्ट्रोलायड प्रजाति से संबंधित माने जाते हैं।
इनका मूल निवास मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र आदि में है। धनुष मान से ये अपना आखेट यानी शिकार जो है शिकार करने के आदि हैं और आपको जो है धनुष मान से ये शिकार करते हैं। धूमर इनका प्रमुख नृत्य है, ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा धूमर को। संथाल जनजाति, ये आपको जो है भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति, तीसरी सबसे बड़ी जनजाति के रूप में सबसे बड़ी जनजाति आपको ये मानी जाती है। भील के बाद गोंड, गोंड के बाद संथाल जनजाति भारत में तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ये आपको प्रकृति पूजक और भूत प्रेत में ये विश्वास मनाते हैं, रखते हैं। सरहुल इनका प्रमुख त्योहार है, सरहुल इनका प्रमुख त्योहार है, इनका प्रमुख त्योहार, ठीक ना, त्योहार के रूप में सरहुल को ये मनाते हैं, ये बातें याद रखिए। नेक्स्ट मुंडा जनजाति, ये छोटा नागपुर में आपको पाई जाते हैं और ये झारखंड, बिहार, ये सभी क्षेत्रों में मुंडा जनजाति पाई जाती है। ये आपको कौन कौन से कर्मा, सरहुल, सोरहे नामक त्योहार को ये मनाते हैं। घोटुल प्रथा यहां पर भी आपको प्रचलित है और एकल विवाह प्रथा, ठीक ना, एकल विवाह प्रथा प्रचलित है। उरांव जनजाति, ये छोटा नागपुर के पठार में पाई जाने वाले प्रमुख जनजाति है और घुमकुड़िया युवा ये गृहस्थ प्रथा में निवास करते हैं, यानी ये लोग भी कृषि कार्य करना इनका प्रमुख पेशा माना जाता है। नितिन सर के हैंड रिटेन नोट्स हैं, ये वही नोट्स हैं जो नितिन सर के द्वारा शानदार तरीके से आपको पढ़ाए गए हैं यूट्यूब पे। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी, इंडियन जागर पे, भारतीय राजव्यवस्था, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सभी इनके प्रमुख पढ़ाए हुए आपको जो है किताबें हैं। आप इसे पीडीएफ के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, ई बुक के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए मंगानियर जनजाति, ये राजस्थान के आपको थार मरुस्थल के क्षेत्र में पाए जाने वाले जनजाति है। ये इनका प्रमुख कार्य जो है संगीत परंपरा को ये विश्वास करते हैं और ये मुस्लिम जनजाति के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट खासी जनजाति, ये आपको मेघालय, असम, मिजोरम में ये जनजाति पाई जाती है। झूम कृषि करने के लिए ये आपको झूम कृषि के लिए ये विख्यात माने जाते हैं। नेक्स्ट नागा जनजाति, ये नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश ये सभी जगहों पे पाए जाते हैं। ये भी झूम कृषि करते हैं, रूपांतरित कृषि के लिए जाने जाते हैं। जरवा जनजाति, ये अंडमान निकोबार में निवास करती है, भारत की सबसे प्राचीन जनजाति, सर्वाधिक आद्य जनजाति के रूप में जरवा जनजाति को जाना जाता है। नेक्स्ट टोडा या टुडा जनजाति, ये बहुपति प्रथा में विश्वास रखते हैं, स्वयं को आर्यों का वंशज बताते हैं। मूल रूप से ये तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी में, तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी में ये निवास करते हैं, ठीक ना, ये तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी में ये निवास करते हैं। तो ये बातें आप सबने शानदार तरीके से देखा। आशा उम्मीद करता हूं कि चीजें सभी बातें बेहतर तरीके से समझ में आप सबको आए होंगे और समझ में आया भी होगा, ठीक ना। तो चलिए आज यहीं तक, शानदार महत्वपूर्ण श्रृंखला के लिए आप सबको तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।